तो यहाँ पे शाओमी ने पोको F5 के साथ साथ मी 10 के लिए HyperOS के न्यू अपडेट्स रोल्ड आउट कर दिए हैं और ये हमारे यहाँ पे 2 लकी स्मार्टफोन्स बन जाते हैं। सो यहाँ पे कौन कौन से न्यू अपडेट्स हमारे रोल्ड आउट हो चुके हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ये मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले पोको F5 के लिए HyperOS के अप्रैल सिक्योरिटी पैच के लेटेस्ट अपडेट इंडिया एंड ग्लोबल में 1.0.5.0 UMR MIXM एंड 1.0.8.0 UMR INXM के लेटेस्ट बिल्ड में रोल्ड आउट हो चुके हैं। अपडेट के डाउनलोड लिंक्स में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, जैसा कि अपडेट्स की लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले केवल और केवल मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे ही देखने के लिए मिलती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और न्यू अपडेट्स भी हमारे रोल्ड आउट हो चुके हैं, मैं आपको शो कर देता हूं। और वो यहां पे स्मार्टफोन है मी 10 के लिए HyperOS 1.0.1.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए रोल्ड आउट हो चुका है और इंडोनेशिया में भी रोल्ड आउट हो चुका है 1.0.1.0 TJB IDXM। सो यहाँ पे मी 10 के लिए HyperOS यूरोप स्टेबल अपडेट ऑलरेडी रोल्ड आउट हो चुका है और अब यहाँ पे ग्लोबल इंडोनेशिया में भी हो चुका है। सो अब अगली बारी आ जाती है इंडिया रीजन की। सो इंडिया रीजन में इस वाले स्मार्टफोन के लिए HyperOS का लेटेस्ट अपडेट हमें बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है और यहाँ पे ग्लोबल इंडोनेशिया के डाउनलोड लिंक्स में बहुत ही जल्द पोस्ट कर दूंगा। सो फटाफट से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल। और अगर आपको पोको F5 में अपडेट्स मिल चुके हैं सो कमेंट नाउ। और अगर आपको इस वाले स्मार्टफोन यानी कि मी 10 में भी देखने के लिए मिल चुके हैं सो सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल टू नो दी मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेटेस्ट Xiaomi HyperOS।